इटावा में नवीन मंडी में तैनात निरीक्षक का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। व्यापारी की गेट के पास की रसीद न काटने के नाम पर मांगी गई थी रिश्वत। रिश्वतखोरी की शिकायत पर कार्रवाई न होने से परेशान व्यापारी ने साथी की मदद से वीडियो बनाकर वायरल किया था। मंडी निरीक्षक 600 रुपये न लेकर 1000 की कर रहे थे डिमांड। निरीक्षक को रिश्वत देने वाला युवक वायरल वीडियो में कम पैसे देने के लिए मंडी निरीक्षक के कई बार पैर छूकर आरजू मिन्नतें करते हुए दिख रहा है। वीडियो सामने आने के बाद शासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंडी सचिव की जांच के बाद रिश्वतखोर निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। ये नाम देख रहे, ये नाम देख रहे, पर यहाँ से गए छह बैठो बैठ ना ना मैं हम नहीं बताए, नेक देर के लिए छोड़ो मारो गोली, हम तो दो ही बात कर रहे थे। हम कर लिए, बस 200 रुपये और कर दे, तो हम कह सकते और नहीं तो डरने तो पड़े हैं। देख रहे मान नहीं रही, रख ले बाबू जी, पकड़ियो तो पकड़ ली है बाबू जी। कैसे बदमाश, ये रह गए 1000 रह गए। आप नहीं कहियो बाबू जी, 11 नहीं बाबू जी, आप नहीं कहियो, देखो बाबू जी हाँ करियो तो नहीं 11 बाबू जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक हम एक तुम 11 हो जाओ, एक और 11 होते हैं। नहीं हम तो दोनों मिल गए। अब हम पोगो फीलिंग, अब एक पोगो फीलिंग 100 रुपया बस, अब रख लो पोगो फीलिंग। अब इनका नहीं नहीं 1000 है बाबू जी, 1000 है बाबू जी, बाबू जी 1000 है। जैसे ही मुझे संज्ञान में वीडियो वायरल देखा, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वैसे ही मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, वहाँ से उनको निलंबित कर दिया गया और उनको जांच अधिकारी फरकाबाद सचिव किया गया है और उनको फरकाबाद मंडी में शपथ कर दिया गया है। किस पद पे यहाँ तैनात थे? ये मंडी निरीक्षक के पद पर तैनात थे। पहले भी इन पे काफ़ी आरोप लगे थे निरीक्षक को लेकर? पूर्व में मैं यहाँ था नहीं, मैंने 11 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया है, इससे पहले चल रहा है, उसकी कार्रवाई चल रही है। इन पर आपने देखा था वीडियो, क्या लग रहा था गेट पास को लेकर के रिश्वत दी जा रही है? ये तो लग रहा है कि कुछ संदिग्ध लग रहा है वीडियो, इसकी जांच कराई जाएगी। तब तक इनको ऊपर उच्च अधिकारी को बता दिया गया है और संबंध में इनको निलंबन का आदेश आ गया है मेरे पास। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।